पे यही होता है यार, ये मुझे दे दे मेरे हाथ देख, इसकी उंगलियां ही नहीं सॉस पैन पकड़ करो, पोस्ट करो, एक मिनट तो मैं पोस्ट कर रही हूं, अनवेलस पोस्ट के लिए गुड। ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है मम्मा, अब ना स्कार्फ बैलेंस करें। हाँ क्या दोबारा, तुम्हें लगता है मेरी टांग प्लास्टिक की है? पापा करेंगे, अब चलो आओ, अब पापा की बारी है। बच्चों की वीडियो के पीछे एक सपोर्टिव फादर का हाथ होता है, और इसके झूले चलते झूले के पीछे बड़ी बहन का हाथ था, और अब अब्बा का हाथ है। 1 2 3 ये लो, पता लगे फातिमा उड़ के उधर गई। चलो तो सही मुझे पापा जी, आपने धक्का देके फौरन भाग के निकलना था ताकि उसकी वीडियो में चले। ये मेकिंग होती है मम्मा, ये आप अंदर कर रहे हैं, आप आज क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं? अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट, यस यार यार मेरी मॉम मम्मा ये कैप उतार दे यार मम्मा प्लीज, अच्छी लग रही है मम्मा, दो क्यों पहनी है यार, सर्दी लग रही है, कान ठंडे हो रहे थे। अच्छा मिस्टर बीन वाले हो गए, ये स्टाइल है मम्मा, यहाँ कबा बोला कहीं पे का अपना चल रहा है, कितनी अच्छी है ये, आप भी दिखाओ क्या बनाया। हाँ ये तो स्लिप हो रही है, बर्फ पकड़ी थी, हाँ इस पे ना पाँव स्वयं कर, इधर दिखाओ क्या बनाया, अच्छी आई है, मेरी भी फोटोज है ना, मेरी फोटो बनाओ चलो, की पड़ गई है सबको, ये देखें जरा, हाउसकीपिंग वाले को बुलाया कि पहले हम कमरा सेट करवा रहे हैं, वो देखिए अब कमरे कपड़े कैसे जुड़ गए हैं खुद सब, मैंने अपने कपड़े वगैरह रख दिए हैं, ये भी रख दिए है, ये आके वो करके जाएंगे काम शाम, मैं करके अपना बैठ गई हूँ। तो इस वक्त हम लोग निकलने लगे हैं एक जगह के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि सब लोगों को मैं इकट्ठा करूँ, और ये सब लोग अपने अपने फ़ोटो शूट्स में मसरूफ हैं, यू कैन सी, ये देखें अभी तक किसी का पेट नहीं भर रहा, मैं अभी ठीक नहीं हुई हूं, लग रहा मेरे पास पॉकेट है, मेरा बर्थडे आने वाला है गाइस, बी रेडी, मेरा भी आने वाला है 25 जनवरी को, मेरा बर्थडे, मेरी मम्मा ऐसे घूर रही है कि बेटा पैदा तो मैंने ही तुम लोगों को, एक बात बताओ अभी जब मेरा बर्थडे ना, उस दिन मैं ना केक कट करते हुए लाइव आऊंगी, सो हम अपने इंस्टाग्राम पे जब हमारा बर्थडे होगा, मेरा 25 जनवरी को है, उसके बाद 28 को फातिमा का है, 3 फेब को हिरा का है, 16 फेब को राबिया का है, और 27 फेब को पापा का है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कोइंसिडेंस, बाकी इतफाक तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन ये इतना इतफाक भी आप लोग देख लेंगे, हम पैदा भी एक साथ ही हुए, सिर्फ ज़ैनब हमसे अलग है जी। ओके चलते हैं जी, चलो मेरी कोई फोटो शूट नहीं कर रहा, सब अपना अपना करें, ये तो प्रोफेसर कीन बीन बना हुआ। चश्मा क्यों लगाया तुमने? मेरा चश्मा था, मैंने सोचा कि ये मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज माय चश्मा, प्यारे वाला। फिर से हमारा फंसने का वक्त शुरू हुआ चाहता है, ये ग्लासेस कौन से नहीं है? मेरे हैं, तुम मत जलो ये मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे, ये आपने छुपके छुप, ये बात गलत होती है, मैंने हर चीज रखी सबको बताई, और मेरा बीमारी का ये फायदा था, ये छुपी थी जरा, तुम्हारे कपड़े ये तुम्हें किसने दिए जो आज तुमने पहने हुए? आपने दिया बिल्कुल, आगे से जाके स्टार्ट करो, चलो शाबाश, हम मैं बैठने लगी, ये भी होता है बैठने नहीं देते, कहते हैं हमको फोटो बनाना है, बाहर निकलो। ओके यहाँ पे इनका फोटो शूट चल रहा है, गंद मार बैठी है, वाट लगने वाली है, ये इसके जूतों से गवार है ना, मेरे साफ इसके गंदे, बैठे बैठे मानो उधर से। तो आज का हमारा स्टे होगा यहाँ पे, हम अपने स्टे के लिए यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, पहले यहाँ पे खाना खाएंगे और फिर तशरीफ लेके, वैसे इतना तैयार हो गए, तशरीफ लाने कौन आता है, हम ही आते हैं सिर्फ, तो मैं आपको जरा ओवरऑल लुक दिखा दूँ इनके अपने चल रही हैं और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी साड़ी पार्क लगाएंगे और सुकून होगा। मेरी मॉम की एक शिकायत के पीसी में तो बर्फ ही है। चले जी ये सब लोग उतर रही हैं बारी बारी करके, और हम लोग, मैं आपको जरा फ्रंट दिखा दूं,
कि यहाँ पे हमारा स्टे है। तो ये देखिए जी, ये बड़ा प्यारा माहौल है जो कि आपको नज़र आ रहा है। और ये लड़कियों को निकलने में बड़ा टाइम लगता है, ये चाहती हैं कि इनको बस ना कोई न्योता भेजे कि प्लीज़ आ जाओ प्लीज़ आ जाओ, ये फिर ही आएंगी। आ जाओ अब पांडू रब्या पांडू, मम्मा ने फिर मम्मा ने कोट चेंज कर लिया। चले मैं चश्मा निकाल देती हूँ, आप लोग भी सोच रहे कि बहनों को जलाने के लिए इतनी चश्मा, चश्मा चाबी मेरे पास नहीं है, चश्मा टू ओ वाओ, चलो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, चलो आओ जरा मेरे साथ, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, गाड़ी की चाबी, बाय गाइस। की पॉकेट में से निकला, मेरी मेरी पॉकेट में नहीं है, मेरी पॉकेट में, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरे पास गाड़ी की चाबी है। लोकेशन मत ढूंढो, गाड़ी की चाबी ढूंढो, तुम लोकेशन ढूंढ रही हो उधर, तुम्हें पता लगे गाड़ी की चाबी यार। मेरे मेरे पॉकेट्स में पता क्या है, ये देखो ग्लव्स है, ये ठीक है, लिप बाम है, और बहुत चिंता की जाए ना तो मैंने अंदर अपनी इस सब चीजें डाली हुई है ना, ये देखें व्हाट्स इनसाइड माय पॉकेट, कितने कितने भी नहीं डेक के आई हैं, इन द विच मैं रखी हुई है। आई एम फ्रीजिंग राइट नाउ, यू आर आइस, चलो मेरी गंद दिखा रही हो सारा, मैंने इसमें हैंड क्रीम भी रखी है। हम ये गाड़ी ढूंढने चाबी ढूंढने में मसरूफ हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि अब तो इन सब की लगने वाली है। सब देखें ऐसे घर में अगर ये कल लोग काम करें ना, यकीन करें हमारे घर में मेड्स की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पांच पांच हैं। पीछे तो पापा ने डांटना है सबको, सब लोग सबको पता है मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास होती तो मैंने हर चीज़ जो है ना वो मैनेजमेंट करके रखी होती, लेकिन नहीं, जब ये छोटियों पर जिम्मेदारी आती है ना तो इनकी मैनेजमेंट हमेशा ख़राब होती है। स्पेशली मिल गई है, मैंने सुना चाबी मिल गई है जी, कहाँ से मिली? फातिमा की सीट के नीचे, फातिमा की सीट, ये सबकी तलाशियां ले रही थी, इसने अपनी ही सीट की तलाशी नहीं ली। चलो चलो बच्चो, बर्फ नहीं हो, मुझे कोला गोला गंडा लग रहा है। वक्त ना यहाँ पे आ चुकी हूँ, और रब्या मुझे कह रही है यहाँ पे शूटिंग ना करना। मैं आपको बता दूँ कि मेरी बहनें घूम चुकी हैं, मैं और रब्या सिर्फ बचे हैं, इसकी फ़ोटो के चक्कर में मैं हो गई हूँ लेट। जैन रब्या अब मैं क्या करूँ, कॉल करो, लेट मी जस्ट कॉल हर। अब आप लोग देख रहे हैं आई एम नॉट अ रब्या, आई एम रादर फ्रेशर, हम उल्टा जा रहे हैं। अबे यार सही बताओ ना, खपाओ इधर लाइट भी अच्छी आ रही है, लाइट अच्छी आ रही है, लेकिन तुम्हारा कमरा नहीं मिला, अगली लॉबी में जाओ, ये चलें जी। आप हमें फाइनली पापा मिल चुके हैं, अम्मा भी साथ साथ हैं, चले शाबाश। और इनकी बेटियां ये दोनों एक जगह घूम गए थे, मैं और रबिया एक जगह घूम गए थे, फिर रबिया को लेके वो गायब हो गई है। जो सब बच्चे हों और इन बच्चों को यहाँ आके भी आपने जो है वो प्ले एरिया में घूमना हो तो फिर तो बस कोई बात नहीं। हाँ जी, ये खेल, ये आप वहाँ नहीं, घर नहीं खेलती, भूख लगी है मानो कुछ खाते हैं, तुम्हारे चक्करों में सब रहते, मामा भी वहाँ पे खड़ी हुई। सब लोग अपना फोटो शूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं इस वक्त, ये आप लोग देख सकते हैं इसके स्लोमोस बन रहे हैं, रबिया स्लोमो बना रही है, इनकी अपनी चल रही है, और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अब अच्छी सी फोटो यहाँ पे बना ही लूँ, उनको दिखा दूँ यहाँ पे उन्हें हमारा फोटो शूट। और फोटो शूट हमारे व्लॉग में ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ये मानो है ना मानो, आज मैं पापा को पता मैं गिरने लगी हूँ, ये मेरी उंगली देखे मुड़ गई है, रेड हो गई है सारी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अभी मैं भी बैठूंगी इस पे, ये हमारी जो आज की लोकेशन है, ये मेरे अब्बा तो वैसे ही हर लोकेशन में अच्छे लग रहे होते। सो यहाँ पे आप लोकेशन देखें कि एकदम यहाँ पे पहाड़ हैं, और ये देखें 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 कितना मज़ेदार माहौल है, और ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और वो पीछे जो देखा है हीरा के नाम का एच भी लिखा हुआ है, हीरा ने एक चीज़ नोटिस किया कि नहीं, ये हीरा के, ये हेलीपैड है,
हाँ मैं तो उसको तंग कर रही हूँ, हीरा तेरा नाम लिखा है सड़क पे। किसी ने मेरे मेरे लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करना, इसलिए उसने एच लिखवा दी। ओहो चल अब हमारी स्पीड तेज हो जाए। स्पीड मम्मा ध्यान से, यहाँ पे बहुत बुरी, आगे मैं गिरी हूँ। बख्शूंगी नहीं। मेरी अम्मी जहाँ झूले देखती है वहाँ बैठ के आंखें बंद करके सो जाती है। मॉम सही, आप अपने जो लाहौर की पोल्यूशन आप फंसी हुई थी खत्म कर रहे हैं। और अब सबको देखते हुए ये एक तो मानो और एक मेरी मॉम, मानो और मॉम, और वो जो मेरी दो अदद बहनें हैं ना गायबाना हंसती हैं, वो खड़ी हुई हैं वो दोनों वो नुकर में। पापा जी इनको कॉल करें, अब पापा करेंगे इनको कॉल। हाँ लो इनका देखें, ये अपना, ये बचपन में तुम लोगों को वो चीज़ नहीं याद आ रही जो गली में आता होता था एक झूले देने के लिए, याद आया कुछ? चार पंगुड़ों वाला याद आया कुछ? फी बचा 10 रुपये, हम वो 10 रुपये लेके लेते थे। सो हमें बचपन याद आ गया यार। हीरू वो देख, वो टायर भी, वो टायर पे बैठा भी, मेरा कोई मूड नहीं है, हाथ से फ्रीज हो रहा ना करो। अच्छा कहाँ, इधर आऊँ मैं? नीचे गिर गई फिर, इधर आना, कुछ नहीं गिरती ये जगह पे, मिलने लगी फोटो। मानो है ये घुड़ घुड़ सवारी करते हुए और अपनी तरफ। हाँ हिरापी नहीं आ रही, हिरापी जैनब के साथ धूम धूम के साथ लग के जा रही, नहीं जा रही, मैंने भी घोड़े पे बैठना है। मानो सिर्फ दो चौ, मैं भी कहूँ मुझे अंधेरा की नजर आ रही, नहीं पता मैंने चश्मा लगाया हुआ। हमने भी बैठना है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो अपने ये पांडू दिखाओ मुझे, राबिया पांडू दिखाओ अपने। ये ग्लव्स ठीक है, निंसा फोन तो यूज कर सकते हो, या थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। चलो फिर उन गलियों में कहीं हम खो जाएं, यहाँ चलती थी मोहब्बत की ताजा हवाएं। इधर इनका स्लोमो चल रहा है यार, इनके पीछे मुझे भगाओ। हीरा के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तुम्हारे बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, और मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ इस वक्त। ओह माय गॉड। हाँ जी आ रहे हैं, चलो फातिमा घोड़े पे बैठे, उठ जा तुम भी। ऐसे ये आखिर पे यही होता है यार, ये मुझे दे दे मेरे हाथ, देख इसकी उंगलियां ही नहीं। सॉसपैन पकड़ ये सॉसपैन पकड़ने वाला है शायद, मुझे लगता है यही रहा। या अल्लाह सो बैड। चलो हम घोड़े पे बैठने जा रहे हैं, स्नोफॉल नहीं हो रही, कल होगी रे। हाँ तुमने फोरकास्ट नहीं चेक किया? हाँ हाँ तो आप भी बैठ रही है। अस्तबल जा रहे हैं, अस्तबल होता है घोड़े के घर को कहते हैं। हाँ। और ये घोड़ा इसको खींचे नहीं, इसको ना खींचे। अच्छा वो फिर नहीं तो दौड़ लगाएगा। चल रही है जैनब, पता लगे मैं आ ही नहीं रही, आ रही हूँ फिर मैं देख रही हूँ। तुम देख नहीं रही हो, ध्यान से गिरना जा, ध्यान से घोड़ा जाएगा। ओहो और पता बड़ा मजा आता है ठंडे इलाकों में घोड़े का, ठंडे हाथों से। ये काफी प्यारा घोड़ा है, एक दफा हम गए थे नॉर्दर्न साइड पे, वहाँ पे उन्होंने हमें खच्चरों में बिठा दिया। असली घोड़ा है। चलो आप यहाँ पर मम्मा की बात।